इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिंपल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। बैंड वालों की भी अपनी अहमियत होती है। उस समय क्या होता है कि एक एक बैंड कंपनी के पास तीन तीन चार चार बुकिंग आ जाती हैं। तब वो क्या करता है, क्या छोटे मोटे गांव से अपने रिश्तेदारों को मिलने जुलने वालों को कहता है कि भाई तुम सब भी आ जाओ और गांव से दो चार लोगों को और मजदूरी पर ले आओ। अब गिनती वाले, अच्छा सही बजाने वाले तो गिनती के ही होते हैं, सही बात है ना। अब आपके पास तीन चार बुकिंग हो जाए तो क्या करेंगे, जो परफेक्ट लोग हैं उनको तीन चार ग्रुप में बांट दो और सबके साथ कमजोर लोगों को एक एक दो दो जोड़ दो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कमजोर लोग भी होते हैं, उनको भी वो लाल झब्बा पहनाया है ना। एक जमाने में अंग्रेज गवर्नर जो ड्रेस पहनते थे ना, वो आजकल हमारे देश के बैंड बाजे वाले पहनते, बताइए उससे ज्यादा अपमान उनका और क्या होगा। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि देश पर इतने साल तक दूसरे लोग शासन कैसे करते रहे। हम तो वो लोग हैं कि सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं, है दुनिया की चार देश ऐसे हैं जहां भारतीय लोगों का राज पैदा या भारत। ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे मालूम पड़ा गया कि पार सारा का सारा देश, दुनिया जो है वो एक देश भारत देश ही बन गए। खैर, अच्छाइयाँ सब तरफ फैलें और क्या चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा होता है कि जब बैंड बाजे वाले होते हैं और उनकी पार्टी में क्या करते हैं, कुछ ऐसे सामान्य दर्जे के लोग, और उनको एक झब्बा पहनाया कि टीम में शामिल कर दिया। कई बार ये होता है कि बजाने वाले बाजों की भी कमी पड़ जाती है। तो जो ये किस्सा है ना, इसमें ऐसा हुआ कि बजाने वाले बाजे की कमी पड़ गई, सामने वालों को चाहिए था 12 लोगों की टीम। लोग तो ठीक है, लाल झब्बा पहनाया, 100 रुपये दिए और शामिल कर दिया। उसको बजाना आता कि नहीं आता है, लेकिन उसको टीम में 12 गिनती तो पूरी हो गई। अब जो है इंस्ट्रूमेंट्स 12 पूरे नहीं हो रहे, अब क्या करें। तो एक बढ़िया सा चिकना डंडा, साफ सुथरा रूल जैसा चिकना डंडा पकड़ा दिया। 11 पूरे हो गए, भाई एक और नहीं है कुछ, तो ये पकड़ ले। तो इसको क्या करेंगे, इसने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जब ये लोग हों पू करें तो तुमको इसको मुंह में लगा के यूं करना है। इसने पूछ लिया, पकड़ लिया कि ये कौन सा बाजा है, इसमें कहीं से ना मुंह है ना पूछ है ना बटन है ना कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि बता देना, ये भी इंटरनेशनल है, एकदम न्यू वर्जन है। और ऐसा पूछ भी लिया लोगों ने कि भाई मामला क्या है, ये तुम क्या बजा रहे हो। उसने कहा एकदम न्यू वर्जन है, न्यू गैजेट से है, नया बाजा आया है। लोगों ने कहा कि तुम इसको बजा के तो भी बताओ। जब सब लोग बोलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तब तो तुम मुंह पर लगाते हो और बजाते हो, अभी बताओ जब किसी की आवाज नहीं आ रही। तो उसने कहा कि देखो, इसकी यही खास विशेषता है कि जब सारे बजते हैं तो ही ये बजता है। इसका नाम ही शामिल बाजा है। क्या हुआ, इसका नाम है शामिल बाजा है। जब सारे बजेंगे तो ही बजेगा, ये अलग से बजता नहीं है। ऐसे ही पर्यूषण में भी शामिल बाजी हो सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो शामिल हो जाओ, बैठ जाओ, और कुछ ना कुछ सबकी देखा देगी कुछ तो आ ही जाएगा। धर्मात्माओं के साथ, ज्ञानियों के साथ बैठे बैठे सामान्य लोग भी धर्म बुद्धि वाले और ज्ञान बुद्धि वाले हो जाते हैं। ज्ञानियों, अभ्यास करिए, परमार्थ की दृष्टि बनाइए। अज्ञान से तो यह ही हो रहा है, अज्ञानान मृग तृष्णिकाम जल धिया धावन्ति पातुम मृगहा अज्ञानात् तमसी द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जनहा अज्ञानाच्च विकल्प चक्र करणात् बातो तरंगाब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवन्त्याकुलः।
अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अज्ञान के बस होकर के मृग तृष्णा बस मृग दौड़ते रहते हैं। रेगिस्तान में ऐसे लगता है कि वहाँ पानी है, अब वहाँ पानी मिलेगा, और मृग पानी समझ समझ करके दौड़ता रहता है। और पहले रेगिस्तान होते थे, आज रेगिस्तान ना मिले तो ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं ना, जब आप सड़क पर चलते हैं और दूर देखते हैं तो सड़क चमकती हुई दिखती है, ऐसे लगता है कि वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। जैसे जल के लिए, जल की तृष्णा में अज्ञान बस मृग दौड़ता रहता है और मारा जाता है। अज्ञान में, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं लोग, डर जाते हैं लोग, रस्सी को, लकड़ी को सांप समझने वाले कौन कौन है आप में? कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि था तो कुछ और समझ लिया कुछ और? उस पेड़ की परछाई दीवार पर पड़ रही थी, पत्ते हिल रहे थे, दीवार पर देख करके ऐसा भ्रम हो गया कि जैसे यहां तो कोई भूत है, परछाई दिख रही है। कितने बार ऐसे भ्रम हुआ? अज्ञान से ऐसा भी हुआ। अज्ञान के विकल्प चक्र में यह समुद्र में उठती हुई तरंगों की समान हमेशा आकुल व्याकुल बना रहता है। शुद्ध ज्ञान का आश्रय ले तो यह निराकुल स्वभाव को उपलब्ध हो। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे महाधूप को तपति में तिसायु मृग, धूप में प्यास लगती है जोरदार। पिछला जो बिहार हुआ था ना, इस बार तो दिल्ली में ही एहसास हो रहा है, जून जुलाई का नागौर तरफ जो बिहार हुआ था, और उस उष्णता में कंठ सूख जाता है। अरे इंसान का ही हाल होता है, जानवरों का क्या हाल होता होगा? तो भ्रम का ही दुख है। भ्रम मिट जाए तो सुख हो जाए, मालूम पड़ जाए कि वहां चिलचिलाती हुई वो रेत है, सड़क है, पानी नहीं है, क्यों भागें, क्यों तड़पें? और रस्सी ने, रस्सी है, सांप नहीं है, परछाई है, भूत नहीं है। अपनी परछाई से डरने वाले कितने लोग हैं? आप कभी अपनी परछाई से डरे? नहीं डरे ना? आप लोग कैसे डरेंगे? और डरे भी होए तो यहां 100 लोगों के बीच में बताए कौन? मालूम है, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाते चलाते कहीं गिर जाते हैं, साइकिल चलाते चलाते आप जब गिर जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? सबसे पहले ये देखते हैं कि गिरता हुआ मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप पेंट वेंट झाड़ते हैं, और जो चोट लग गई उसे देखते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं। और अगर कोई देख रहा है तो पट से साइकिल पर वापस बैठते हैं और पैडल मारते हुए भाग जाते हैं, और फिर कहीं एकांत में अकेले में जाके देखते हैं कि कहाँ लगा है, इधर लगा है कि इधर लगा है। इंसान की आदत है कि वो चार लोगों के बीच में अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। और इसीलिए भिखारी भी ना, भीख जब मांगता है ना आपसे, तो अकेले खड़े हो तो नहीं मांगता, ना आप दो चार लोगों के साथ खड़े हो तो कहेगा बाबू जी, अब आप ना भी देना चाहो तो जो दो चार लोग खड़े हैं क्या सोचेंगे, यार इससे एक रुपया भी नहीं दिया जाता है इज्जत बचाने के लिए। और आप कहो ये इस जेब में हाथ डाला, इस जेब में हाथ डाला, और अभी खुला नहीं है, वो कहता है कि आपके पास कितने का है? 2000 का। निकालिए, खुले मैं दे दूंगा। विचित्र है संसार की दशा। अपनी परछाई से डरने वाले लोग कैसे काम करेंगे, कैसे पार पड़ेगा? ज्ञान होना कि स्वा है, ये पर है, ये मान है, ये अपमान है, ये वस्तु व्यवस्था है। ज्ञानात् विवेचकतया तु परात्मनोर्यो,
जानाति हंस यो वाह पहे सो विशेषम चैतन्य धातु मचलम सा सदाधिरूढ़ो जानीत एव ही करोति न किंचनापि। जैसे हंस राज के बदन के सपरसत देखिए प्रकट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। क्षीर मतलब दूध, नीर मतलब पानी। तैसे समय कीति की सुदृष्टि में सहज रूप न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास हो तब भासे आपुआ चलना दूजो और सिर है। पूरब कर्म उदय आई के दिखाई देह करता न होए तिन्ह को तमस गिर है। करता नहीं होता है, तमास गिर होता है, देखता है बस। जैसे उदाहरण क्या दिया, हंस क्या करता है दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है। कैसे कर देता है जी, कमल जी अनिल जी, दूध को कैसे अलग अलग कर देता है हंस। दूध अलग हो जाए पानी अलग हो जाए। जी प्रधान जी, आप कर सकते हो दूध पानी को अलग अलग? कैसे नहीं कर सकते हो, नींबू डालो। लेकिन हंस की तरह नहीं कर सकते, हंस कैसे कर देता है? कहते हैं हंस की चोंच में इस तरह का थोड़ा खटास टाइप का होता है, इस टाइप का लिक्विड होता है, ऐसी लार बनती है कि जब वो दूध पीता है तो उसके दूध का मक्खन बन बन के उसके मुंह में आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, ऐसे भिन्न कर देता है। ऐसे ही सम्य दृष्टि अपने ज्ञान ज्ञान स्वभाव को पकड़ लेता है और कर्ता आदि भावों को छोड़ देता है। हितकारी मार्ग को पकड़ लेता है, अहितकारी वस्तु को छोड़ देता है। ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव जानता है कि जीव न्यारा है, शरीर न्यारा है, कर्म नो कर्म भिन्न है और पूरब उदय है, यथा युग भोगता है और भोगता हुआ भी नहीं भोगता है, ज्ञाता रहा आता है। ज्ञान की महिमा है। और फिर एक मंगल कलश कहा है, ज्ञाना देवो ज्वलन पैसो रोषण शैत्यव्यवस्था, ज्ञाना देवो लसति लवण स्वाद भेद अभ्युदासः, ज्ञाना देव स्वरस विकसत नित्य चैतन्य धातोः, क्रोधादेश्च प्रभवति विदा बिंदति कर्तृभावम्। जैसे अग्नि की उष्णता और जल की शीतलता की व्यवस्था ज्ञान से ही होती है। कैसे जाना आपने अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है कैसे जाना, ज्ञान से जाना। पानी ठंडा है कैसे जाना, ज्ञान से जाना। ऐसे ही ज्ञान से ही निर्णय होता है। लवण और व्यंजन, दाल में नमक ज्यादा है कैसे जाना भाई, जानने का काम तो बोले करते ही नहीं है। अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया तो थाली फेंकने का काम पहले करते, क्या करते हैं जी, या सामने वाले को हड़काने का काम पहले करते हैं, तेरी माँ ने दाल बनाना भी नहीं सिखाया। और फिर महाभारत चालू, देखो जी मुझे जो कुछ बोलना है सो बोल दो, मेरी माँ को कुछ बोला तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसी से बस महाभारत चालू हो जाता। आचार्य श्री कहते हैं कि दाल का स्वाद लो तो समझो कि ये दाल है और इसमें नमक है, ये दाल है इसमें जीरा है, ये दाल है इसमें घी का ये बघार है, भिन्न भिन्न जानो। आप कहोगे इससे क्या होगा, इस
से ये उदाहरण से ये बताना चाहते हैं कि जैसे दाल में नमक दोनों एक नहीं हैं, ऐसे ही आत्मा और देह दोनों एक नहीं है। जानने वाला वह मैं आत्मा और यह जानने में आने वाला ये ज्ञेय स्वभाव वाला ये पुद्गल रूप ये, लेकिन फिर भी आत्मा अपने ही भावों को करता है पर पदार्थ में कुछ नहीं करता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावश्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा किस चीज का करता है? अपने ज्ञान का, जानन स्वभाव का। ये मोह करवाता है कि ये मेरा, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। राग द्वेष मोह ये सब विकारों की परिणति, जो कि छायोप समय ज्ञान इसमें शामिल है, लेकिन फिर भी निश्चय से देखो तो ज्ञान ज्ञान को ही तो करता है, पदार्थों को कहां करता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या करता है, जानने के अलावा क्या करता है। परभावश्य करता आत्मा, पर भावों को जो मैं करता हूँ, इस तरह की बुद्धि क्या है? मोह है। मोहो यम व्यवहारी नाम, व्यवहारी जनों का मोह है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस मोह भाव से ऊपर हटने के लिए ज्ञान स्वभाव को जानें, अपने साथ भी न्याय करें। ये तो अन्याय हो रहा है, दुनियादारी के हम कर्ता बने फिर रहे हैं, राग आदि विकारों में परेशान हुए फिर रहे हैं। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, दरब करब चेतन करे यह व्यवहारी दौर। व्यवहारी जन मानते हैं, इतना निश्चय कर लीजिए ज्ञान स्वभाव मेरा है। ज्ञान की निर्मलता जैसे बनी रहे उसका उपक्रम करिए। व्यवहार नैसे करता है इस बात को भी स्वीकार किया है। व्यवहारेण दुवादा करेदि घड़पड़ रहाणी दब्बाणी करणाणीय कम्माणीय नो कम्माणीय विभिहाणी। 98 नंबर की गाथा है समय सार की। व्यवहार नैसे आत्मा घट पट रथ घर मकान दुकान सब चीज का करता है, नो कर्म का करता है, देह आदि का करता है व्यवहार नैसे, लेकिन निश्चय नैसे तो है आत्मभावों का ही करता है। हम सब आत्मा हैं, अपने ज्ञान स्वभाव की संभाल करें और व्यवहार को निभाते हुए भी सर्वथा व्यवहारी न बने, यही भावना है। जीवन की सहजता और शांति के लिए निज स्वरूप का बोध, आत्मा स्वरूप का ज्ञान परम आवश्यक है। ऐसी मंगलमय दृष्टि सभी की बने, ज्ञानमय दृष्टि बने। जय बोलिए। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिंपल तलाटी, श्रीया मेहुल, दक्ष एवं समस्त